हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। माय सेल्फ डॉक्टर रवि खरे, आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डैंड्रफ के बारे में, उनके कॉजेज के बारे में, किन किन वजहों से डैंड्रफ होता है, और आज हम जानेंगे कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या क्या उसके प्रिवेंशंस है, क्या प्रिकॉशंस है, और इन सब के अलावा कौन सी ट्रीटमेंट्स उसके बारे में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नहीं, हमें केमिकल नहीं यूज़ करना है, हमें घर का ही कुछ बताइए, घरगुती उपाय बताइए, जो हम घर के किचन के नुस्खे बताइए वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ज़्यादातर लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमें कोई शैम्पू बता दो और वो शैम्पू हम यूज़ कर लेंगे हमारे डैंड्रफ के लिए, और वो शैम्पू से हमको जो भी फ़ायदा होगा तो वो हम देख लेंगे। बट शैम्पू में भी बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट शैम्पू आते हैं, और डैंड्रफ के भी, जैसे मैंने कॉजेस इसके पहले के वीडियो में बताया है, जो बहुत सारे डिफरेंट कॉजेस है, एक से ज़्यादा कॉजेस है, कुछ बीमारियां है, विटामिन डेफिशिएंसी है, ये सारे कॉजेस के वजह से डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि आपका डैंड्रफ किस वजह से हो रहा है, तो अपन उसके हिसाब से उसके लिए दवाई देंगे, उसी उसमें जो एक्ट होगा वो शैम्पू देंगे। तो जैसे किसी को बहुत सारा फंगस है और वो फंगस के वजह से उसको डैंड्रफ हो रहा है, जैसे मैंने बताया ड्राई वेदर में फंगस बढ़ जाता है, ठंडी में बढ़ जाता है, तो ऐसा जिसे भी जिसके बॉडी में फंगस ज़्यादा ग्रो हो रहा है या कोई इन्फेक्शन के वजह से, स्किन डिसीज के वजह से, ऐसे लोगों ने कीटोकोनाजोल यूज़ करना चाहिए, या शैम्पू जिसमें कीटोकोनाजोल हो, और कीटोकोनाजोल का भी शैम्पू आता है। तो ये शैम्पू सिर्फ फंगस पे एक्ट करता है, इसे एंटी फंगल शैम्पू है, इससे फंगस का ग्रोथ कम हो जाता है, फंगस प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इससे फंगस कम होगा। अगर आपका डैंड्रफ फंगस के वजह से बढ़ रहा है तो कीटोकोनाजोल शैम्पू से आपका एंटी फंगल शैम्पू जो भी है उससे आपका एंटी फंगल रिएक्शन होगा, उससे इस शैम्पू से आपका डेड स्किन कम बनेगा और डैंड्रफ कम होगा। कुछ कुछ लोगों में ऑयली स्किन रहती है, उनकी ग्लैंड जो रहती है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो स्किन के नेचुरल ऑयल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उसमें डेड स्किन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उसके वजह से डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे लोगों ने जो शैम्पू है उसमें सेलेनियम सल्फाइड नाम की एक चीज़ है, जो उसके वजह से जो बॉडी का नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, वो मेंटेन रखता है, उसको कम करता है, और वो अल्टीमेटली लीड्स टू डैंड्रफ प्रोडक्शन कम करता है, और डैंड्रफ इसके वजह से नहीं आ सकता है। कुछ कुछ शैम्पू कीटोकोनाजोल और सेलेनियम सल्फाइड का कॉम्बिनेशन भी आते हैं, जिन लोगों को एंटी फंगल चाहिए, और किसी किसी लोगों में ये दोनों रहता है, फंगस भी ज़्यादा है और ऑयल भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इन लोगों को इनका कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, कीटोकोनाजोल और सेलेनियम सल्फाइड का। और सेलेनियम सल्फाइड क्या करता है, जो शैम्पू रहता है उसके वजह से किसी किसी को रैशेस आती है, वो रैशेस कम हो जाती है, इचीनेस होता है डैंड्रफ के वजह से, वो डैंड्रफ में जो इचीनेस बढ़ता है वो भी कम हो जाता है, जो सीबोरिया प्रोडक्शन है, सीबम प्रोडक्शन है बॉडी का, वो भी कम हो जाता है सेलेनियम सल्फाइड से। कुछ कुछ लोगों का जैसा ईस्ट के वजह से, एक वन ऑफ द कॉज है वो ईस्ट के वजह से, जो ईस्ट बढ़ता है बॉडी में तो डैंड्रफ बढ़ता है, ऐसे लोगों ने जिंक पायरेथियन करके है जो शैम्पू का एक कंटेंट है, तो जो जिंक पायरेथियन का शैम्पू है वो यूज़ करना चाहिए, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट है वो कम हो जाएगा और आपका डैंड्रफ उसके वजह से कम आएगा। और कुछ शैम्पू कंटेंट रहते हैं कोलतार आपने सुना होगा, एक नेचुरल वन ऑफ द है, और उसका कोलतार का शैम्पू भी आता है। तो कोलतार क्या करता है, जो स्किन की डेड सेल्स की जो लेयर रहता है, जो टॉप मोस्ट लेयर रहता है, उसको वो कम करते जाता है, उसको हटाते जाता है, उसको शेड करते जाता है, जो अल्टीमेटली लीड्स टू द डैंड्रफ। तो कोलतार का भी शैम्पू आता है, तो पहले आपको एक अपना प्रॉब्लम देखना है कि आपको डैंड्रफ किस वजह से हो रहा है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर शैम्पू चूज़ करना है, क्योंकि अपनी आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में अपने को शैम्पू चाहिए, क्योंकि मुझे धोना है और जल्दी निकलना है, तो उससे डैंड्रफ चला जाए। कुछ शैम्पू सैलिसिलिक एसिड वाले भी रहते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड रहता है, जो सुना होगा आपने बहुत सारे शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड रहता है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, जो अपनी स्किन की डेड सेल है उसको ईजिली रिमूव करता है, उसको बहुत आसानी से वो डेड स्किन हटाने में काम करता है। टी ट्री ऑयल आपने हमेशा सुना होगा कि एक नेचुरल है, टी ट्री ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो टी ट्री ऑयल का भी शैम्पू आता है, जो एक वन ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में यह बहुत यूज़ होता है, नेचुरल है, इसके वजह से जो जुए होते हैं, लाइस होते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो मरना शुरू होते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ता है, इससे जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कम होते हैं, डर्माटाइटिस हो गया, इचिनेस हो गया, रैशेस, ये भी टी ट्री ऑयल से कम होता है, और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो ये नेचुरल भी है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है,
तो अगर आपको आपके सर में ज़्यादा जुए है, आपको डर्मेटाइटिस का शिकायत है, या कुछ आपके टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा है, या किसी को कोई हैबिट्स है, एडिक्शन है, तो उन्होंने टी ट्री ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ मार्केट में डिफरेंट शैम्पू है, और पहले आपको जानना है कि आपका कॉज क्या है, किस वजह से आपका डैंड्रफ बढ़ रहा है। तो अगर आपको पता चला, ये आपको एक डर्मेट या एक प्रोफेशनल डॉक्टर बता सकते हैं कि आपके बॉडी में इसके वजह से डैंड्रफ हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एक अपने लिए शैम्पू ले सकते हो, और उससे आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और नीम ऑयल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो एक एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल है, कोकोनट ऑयल और नीम ऑयल मिक्स करके लगाने से स्काल्प पे, ये एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल है, जिससे बैक्टीरिया कम होंगे, फंगस कम होगा, और अल्टीमेटली डैंड्रफ कम होगा। एलोवेरा एक अपने घर में आता है, घर में लोग बहुत सारे उगाते हैं, नेचुरल एलोवेरा मिलता है, एलोवेरा जेल मिलती है, आप रॉ एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो, वो अपने बालों को एक स्मूथनेस बताता है। ये तो बहुत लोगों को पता है कि एलोवेरा से बाल स्मूथ होते हैं, तो एलोवेरा एक चीज़ है जिससे बाल स्मूथनेस बढ़ता है। अपने जो बालों को मॉइस्चराइज़र चाहिए वो एलोवेरा प्रोड्यूस करता है, तो एलोवेरा लगाने से भी आपके स्मूथनेस भी बढ़ेगा, मॉइस्चराइज़र भी बढ़ेगा, डेड स्किन कम होगी, ड्राइनेस कम होगा, और उसके वजह से आपको डैंड्रफ कम होगा। स्ट्रेस लेवल भी रहता है, बहुत सारे आजकल की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, वो वर्किंग आवर्स रहते हैं, उनके पास अपने बॉडी के तरफ देखने के लिए, अपने खुद के तरफ देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करोगे, उसको बैलेंस रखोगे, ट्राई करोगे अपने रूटीन से स्ट्रेस लेवल हैंडल करने का, तो आपका स्ट्रेस लेवल के वजह से भी डैंड्रफ होता है तो जो बहुत कम हो सकता है। एक एप्पल साइडर विनेगर चीज़ है जो बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर और शैम्पू, और उसमें अपना ऑयल, कोकोनट ऑयल या नीम ऑयल, ये मिक्स करने से और ये लगाने से, इसका यूज़ करने से पीएच बैलेंस रहता है अपने बॉडी का, बालों का स्पेशली, और इसके वजह से स्मूथनेस भी होता है, शाइन भी बढ़ता है, और इसके ये पीएच बैलेंस हुआ तो डैंड्रफ कम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल आते हैं, या आप अगर फिश खाते हो तो फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है, मॉइस्चराइजर मेंटेन रखता है, और डेड स्किन स्केल कम होती है, और स्किन का स्मूथनेस भी बढ़ता है, तो उसके वजह से आपका डैंड्रफ कम हो सकता है। जो अपना गार्लिक क्लोव रहता है, जिसे अपन लहसुन बोलते हैं, जो लहसुन को अपन ने मिक्स करके उसका पेस्ट बना के, और उसमें अपना हनी, जो शहद है जो कहीं पर भी अवेलेबल है, नेचुरल शहद और जो लहसुन है वो लहसुन का पेस्ट बना के मिक्स करके अपने स्काल पे लगाने से भी आपका डैंड्रफ कम हो सकता है। लेमन लगाने से पीएच बैलेंस, मैंने आपको पहले बताया नीम ऑयल और लेमन वो एक ही है, उसे पीएच बैलेंस रहता है, और बाकी कुछ चीज़ें आपको शुगर अपना कंट्रोल में रखना है, आपको शुगर कम खाना है, शुगर खाने की वजह से आपका जो, अगर शुगर आप मेंटेन रखोगे बॉडी का, तो आपका डेड स्किन कम होगा, क्योंकि बैक्टीरिया को हार्वेस्ट करने के लिए शुगर मिल जाता है बॉडी में, अगर आपके बॉडी ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहा तो। अगर आपका शुगर बैलेंस्ड है, आप कम शुगर खाते हो, मेंटेन खाते हो, तो भी आपका एक डैंड्रफ कम हो सकता है, आप अवॉइड कर सकते हो। मेथी दाना करके एक चीज़ रहती है, फेनेग्रिक सीड्स बोलते हैं उसे, मेथी के दाने जो कहीं पे भी कोई भी शॉप में, किराना शॉप स्टोर में इजीली अवेलेबल है, आपको वो लाने हैं, उसको आपको एक दो चम्मच रात भर भिगोने हैं, उसका पेस्ट बनाइए, पहले पाउडर बनाइए मिक्सर में, और उस पाउडर को आपको रात भर भिगोना है, जिसका एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, और सुबह वो अपने स्काल्प को लगाना है और बालों को भी लगाना है, वो बहुत उपयोगी है इस डैंड्रफ को हटाने में। उसके बाद आपको कोई भी नेचुरल शैम्पू से उसको धोना है, थोड़ा स्टिकी रहता है वो, ये मेथी दाना का पाउडर भिगो के उसका पेस्ट जो बन जाता है रात भर में, वो लगाने से डैंड्रफ में ये बहुत ही बेनिफिशियल मैंने देखा है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपका जो लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रॉनिक डैंड्रफ है वो चला जाएगा। बाद में आपको मेंटेन करना है, जैसे अगर आपको कोई एडिक्शन है, शुगर हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करने का है, ब्रेड आप कम खा सकते हो, मशरूम भी एक चीज़ है जिसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ता है, पीनट ऑयल और ये सब, पीनट बटर जो रहता है, ये सब आपको कम खाना है, इसके वजह से आप अपना डैंड्रफ कंट्रोल में रह सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया है, जैसे शैम्पूज़ जो अवेलेबल शैम्पूज़ है, फर्स्ट आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम देखना है, उसके लिए पर्टिकुलर शैम्पू कौन सा मार्केट में अवेलेबल है, कितना परसेंटेज उसको यूज़ करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि किन किन वजहों से, कौन सी खाने की चीज़ें आपकी जो बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, उनके वजह से, और तीसरा है नेचुरल रेमेडीज़, जो नेचुरल रेमेडीज़ आप यूज़ करके
कैसे अपने डैंड्रफ को कंट्रोल में रह सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर में हेयर फॉल कम रहे, हेयर लॉस कम रहे और आपको हेयर ट्रांसप्लांट ना कराने की ज़रूरत पड़े या आपका कम से कम में वो हो जाए ताकि डैंड्रफ अल्टीमेटली हेयर लॉस पे जाता है, हेयर फॉल बढ़ता है उससे। तो ये मेरा वीडियो था डैंड्रफ का मैनेजमेंट और डैंड्रफ के नेचुरल रेमेडीज़ जो अपन घर पे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द डैंड्रफ एंड इट्स मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।